नया नया विवाह है। एक गरीब घराने की बेटी थी, दिखने में बड़ी सुंदर थी, तो अमीर घराने में उसका विवाह तय हो गया। विवाह हुआ, अमीर घराने में आई, अमीर घराने में आकर के वो बड़ी प्रसन्न, घर वालों ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि दिखने में बड़ी अच्छी गुणवान थी, सुयोग्य थी, बड़ी सरल थी, बड़ी सहज थी, इसलिए लोगों ने, परिवार वालों ने, उस बच्चे ने, उसकी मां ने, सासू मां ने स्वीकार कर लिया। दीपावली आई तो दीपावली के बाद एक नियम होता है मिठाई भेजने का। बहू के घर से ससुराल पक्ष में मिठाई के डिब्बा आते हैं, जो ससुराल में पूरे परिवार को बांटा जाता है। ये तो थे बड़ी गरीब घर से, इसने अपनी मां को फोन लगाया, मां मां जी दीपावली आ गई है, अब सासू मां पूछेगी मिठाई तो क्या कुछ व्यवस्था बनी क्या? मां ने कहा, बिटिया तुझे तो पता है उधार उठाकर तेरे पिता ने शादी की है, अभी कर्जा ही 3.5 लाख चढ़ा है, अपने घर पर एक अन्न का दाना नहीं। बेटी फिर भी मैं कुछ व्यवस्था करके कुछ मिठाई भेजती हूं। शाम को मां ने दोबारा फोन लगाया, बिटिया 1000 रुपया की व्यवस्था हो गई है, मैं तेरे घर पर ना 5 किलो मिठाई भेजती। तो बेटी ने सोचा परिवार इतना बड़ा है, 5 किलो मिठाई अगर आएगी तो मेरी सासू मां ताना सुनाएगी, हंसी उड़ाएगी, देखो कितनी बड़ी ज्यादा मिठाई आ गई है, ना जाने क्या क्या कहेगी। तो उसने मां को फोन दोबारा लगा के कहा, मां एक काम करना मत भेजना। क्यों मां? इतना बड़ा घर, इतने अमीर लोग, 5 किलो मिठाई आएगी तो ये हंसेंगे, ताना सुनाएंगे, और सासू मां ना जाने क्या क्या कहेगी, मुझे बहुत विचित्र लग रही है मेरी सासू मां, मत भेजना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं कह दूंगी पिताजी बीमार हो गए। मां ने कहा, नहीं बेटी शगुन है, शगुन तो भेजना ही चाहिए ना, शगुन नहीं तो टूट जाएगा बेटा, नियम है, अब जो कहना होगा सो सुन लेना बेटा, सुन करके रहना चाहिए, तेरी मां भी तो है ना, वो तो सुन करके रहना। नहीं मां मैं नहीं, मैं बेइज्जती मत करवाना, मत भेजना। लेकिन मां ने 5 किलो मिठाई भेज दी। दूसरा दिन हुआ, सासू मां ने पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, हमारे बहू के घर से मिठाई आई है, मिठाई आई है, आओ आओ, पड़ोसियों को बुलाया, परिवार को बुलाया, 100-150 लोगों को बुला दिया। अब तो बहू ऊपर बैठी बैठी माथा पटके की, हे भगवान मिठाई आई नहीं, आई भी होगी तो 5 किलो आई होगी। पहले के जमाने में नाई मिठाई लेकर के नाऊ आता था, 5 किलो आई होगी, आज तो सासू मां ने मरवा लिया, ये सबके सामने आज बेइज्जती करेगी, आज सबके सामने ताना सुनाएगी, आज सबके सामने मुझे भला बुरा कहेगी, आज सबके सामने ये हंसी करेगी, मेरी और मेरे बाप की हंसी करेगी, मेरे पिता की हंसी करेगी, मैं क्या करूं। बार बार बहू चक्कर लगावे, कमरे में दरवाजा देखे, खिड़की खोलकर देखे, बार बार आंगन में झांक कर देखे, सब बड़े 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 मेहमान आ गए, हंसी ठहाका लग रहा, चाय पी रही, सासू मां ने नीचे से आवाज लगाई, बहू, अरे ओ बहू। अब तो बहू का शरीर एकदम श्वास तेज चलने लगी, हे भगवान अब क्या होगा, नीचे डरी डरी उतरी, नीचे सिर करके खड़ी हो गई, बहू बहू तेरे घर से मिठाई आई है, ले तू सबको बांटती जा। और सासू मां ने आवाज लगाई, लाओ मिठाई। क्या देखती है, बड़े बड़े डिब्बों में भर करके, थालियों में भर करके 150 डिब्बों में 150 किलो मिठाई आई है। बहू तो चौंक गई, उसने मिठाई जल्दी जल्दी बांटी और बोली, मेरी मां बड़ी झूठी है, मेरी मां तो फोन पे कह रही थी 1000 रुपया है, केवल 5 किलो मिठाई का रुपया है, और मेरी मां कितनी झूठी है, इतनी मिठाई भेज दी, लगता है उधार भेजी होगी। भागी भागी जल्दी गई कि मैं मां को पूछूं, फोन लगाया, मां जी तुम बड़ी झूठी हो, तुम तो कह रही थी 5 किलो मिठाई है, इतनी सारी मिठाई जो दे दी। तो मां कहती, बेटा मैंने तो 5 किलो ही भेजी, मेरे पे तो रुपया भी नहीं है, 5 किलो के ही रुपया है, वो भी उधार उठा करके बेटा दिए, और तेरे पिताजी से भी ले पूछ ले। पिता ने भी कहा, बेटा मैंने तो 5 किलो मिठाई भी, नाऊ काका भी पूछा, उसने भी कहा 5 किलो ही मिठाई दी। अब बहू चौंक गई कि ये मिठाई आई कहां से, घर से जब 5 किलो आई। शाम हो गई, बहू ने सासू मां को प्रणाम किया, मां जी क्षमा करना हमें,
हमारे घर से तो 5 किलो ही मिठाई आई थी, फिर इतनी मिठाई कहां से आई? तो बहू की बात सुनकर के सासुमा ने हाथ पकड़ के ऊपर उठाया, बोले बिटिया तेरी एक वो माँ है, उसने 5 किलो दी, एक मैं भी तो तेरी माँ हूं, तेरी इस माँ ने 95 किलो अगर मिला दी तो इसमें बुराई क्या है बिटिया? भभकती हुई दोनों गले से लग गई। अब बताओ क्या इस घर में कभी लड़ाई होगी? बताओ क्या इस घर में कभी कलेश होगा? बताओ क्या इस घर में कभी महाभारत होगी? बोलो क्या इस घर में कभी 2 चूल्हे जलेंगे? क्या बताओ इस घर में कभी द्वंद होगा? बताओ क्या इस घर में कभी संपत्ति के नाम पर कलेश होगा? कभी नहीं होगा। हमारी बहू चाहती है कि जो सासू माँ मिले वो माँ बनकर के रहे, पर खुद बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। पर जो सासू माँ है वो चाहती जो बहू मिले वो बेटी जैसी हो गए, पर खुद माँ बनकर के नहीं रहना चाहती। अगर ये दोनों सुधर जाए ना तो आज हर घर की महाभारत बंद हो जाए, आज हर घर का कलेश बंद हो जाए, आज हर घर के चूल्हे अलग अलग बंद हो जाए, आज से ही पूरा परिवार संयुक्त तो पुराना परिवार बन जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है सागर के लोगों, इस कथा की रतिया की बिटिया की कथा को सुनकर के हम आपको कहना चाहते हैं, ध्यान देना, भगवान सब संबंध निभाते हैं, लेकिन तुम भी अपने परिवार को एक बनाए रखने के लिए आपस में बैर मत भरो, आपस में शाम के समय क्षमा मांग करके एक दूसरे को क्षमा करके परिवार में रहना सीख जाओ। अगर तुम क्षमा मांगने लगो, बहू अगर सासू माँ से माँ जी मुझे क्षमा करो मुझसे भूल हो गई, दूसरे दिन जो भी होगा ना प्रातः काल नई सुबह होगी, नई ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ तो बड़ा उल्टा जमाना है, वो भी रसगुल्ला जैसा मुंह फोला, मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं भी बात नहीं करूंगी। अरे इनकी तो छोड़ो, पति पत्नी में ही ऐसे मुंह फुलाए रहती, एक ही कमरे में रहती, एक एक साल बात नहीं होती, जैसे एक इंग्लैंड में रह रहा हो दूसरा भारत में, इतनी दूरी, घर में भी इतनी दूरी।